हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूँ अग्रसेन कॉलेज के इस प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन सीरीज के अंतर्गत। देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर के अंतर्गत हम डिस्कस कर रहे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मेंडलिज्म पढ़ रहे हैं। और मेंडलिज्म के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत एक संकर संकरण इट मीन्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस डिस्कस किया था। देखिए बच्चों, इसी क्रम में हमारा जो अगला टॉपिक है वह है डाई हाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण को कैसे परिभाषित करेंगे, द्विसंकर संकरण से क्या अभिप्राय है? देखिए बच्चों, द्विसंकर संकरण से अभिप्राय है कि ऐसा संकरण जिसके अंतर्गत किसी जीव जाति के किन्हीं दो विपर्याशी स्वरूप वाले लक्षणों को लेकर उनके मध्य अगर संकरण कराया जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे, द्विसंकर संकरण कहेंगे। आई बात समझ में? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा संकरण जिसके अंतर्गत किसी जीव के दो विपर्याशी स्वरूप वाले लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाए तो वह क्या कहलाता है, द्विसंकर संकरण। ठीक है, अब देखिए इस द्विसंकर संकरण के अंतर्गत मेंडल ने अपने प्रयोग के अंतर्गत कौन से दो लक्षणों को चुना था, तो वो दो लक्षण थे, एक था आपके बीज की आकृति और बीज की आकृति में गोल व झुर्रीदार, ठीक है, और दूसरा था आपके बीज पत्र का रंग, ठीक, और बीज पत्र के रंग था आपके पीला और हरा। इन दो लक्षणों को लेकर मेंडल ने जो है अपना द्विसंकर संकरण प्रयोग किया। ठीक है, अब देखिए इन्होंने, आप लोगों को पता है कि जो पादप था वह कौन सा था, पाइसम सेटाइवम, ठीक है, अर्थात मटर का पौधा। तो मटर के पौधे के अंतर्गत इसने द्विसंकर संकरण प्रयोग किया, तो वही बात कि इन्होंने जो है यहाँ दो लक्षण, बीज की आकृति, बीज पत्र का रंग गोल और बीज की आकृति में गोल व झुर्रीदार और पीला व हरा। यहाँ हम इन दोनों पीढ़ियों को एक साथ लेकर चलते हैं तो यहाँ लिखेंगे अपन क्या, पैतृक पीढ़ी, ठीक है, और पैतृक पीढ़ी को अपन पी से डिनोट कर सकते हैं, पी, ठीक है। तो यहाँ पहले हम एफ वन पीढ़ी प्राप्त करेंगे इसलिए इसको अपन पी वन लिख देंगे, ठीक है। तो पी वन में पहले दो लक्षणों को ले रहे हैं तो ये इसके प्रभावी होते हैं, तो गोल और पीला या पीले, और दूसरा हो गया आपके झुर्रीदार और हरा, ठीक है। तो दो लक्षणों को एक साथ लिख दिया, एक तरफ प्रभावी और एक तरफ कौन से, अप्रभावी। गोल को यहां पर जो है इसने व्यक्त किया था किससे, कैपिटल आर से, और पीले को जो है इसने व्यक्त किया था कैपिटल वाई से। इसी प्रकार से झुर्रीदार को इसने यहाँ व्यक्त किया था स्मॉल आर से, और हरे को जो है इसने व्यक्त किया था बच्चों किससे, स्मॉल वाई से। तो ये क्या हो गई, एफ वन पीढ़ी के लिए पैतृक पीढ़ी हो गई बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ इनके हम एफ वन पीढ़ी प्राप्त करने के लिए इनके क्या बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे, ठीक है। तो युग्मक इसके बने क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये इनके युग्मक हो गए बच्चों, ठीक है। अब इन दोनों के मध्य क्या क्रॉस कराया तो हमें क्या प्राप्त होगी बच्चों, एफ वन पीढ़ी प्राप्त होगी, और यहाँ जो एफ वन पीढ़ी प्राप्त होती है वह होती है कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जो कि सभी कैसे होते हैं,
गोल व पीले होते हैं बच्चों, जो कि कैसे होते हैं, गोल व पीले होते हैं, जो कि एफ ओ, जो कि एक संकर संकरण के अनुसार यहां पर परिणाम प्राप्त हुआ। वहां पर हमने एक को लेकर किया तो जो परिणाम प्राप्त हुआ, वही यहां पर जब हमने दो लक्षणों को एक साथ लेकर प्रयोग किया तो भी जो इसके परिणाम है वह किसके समान प्राप्त हुए, एक संकर संकरण के प्राप्त हुए। किसके अंतर्गत बच्चों, एफ वन पीढ़ी में, ठीक। तो ये हमें प्राप्त हो गई कौन सी, एफ वन पीढ़ी। अब यहां वही बात कि एफ वन पीढ़ी जो है इससे जो पौधे से जो बीज प्राप्त हुए इनको दोबारा रोपा गया और रोप कर इनसे क्या प्राप्त की, एफ टू पीढ़ी प्राप्त करी। तो एफ टू पीढ़ी प्राप्त की तो उसे हम किस प्रकार से यहां व्यक्त करते हैं, तो देखिए बच्चों उसको हम चेकर बोर्ड के माध्यम से क्या यहां पर देखते हैं। तो हमको प्राप्त करनी है क्या, एफ टू पीढ़ी। तो ये एफ टू पीढ़ी एफ वन पीढ़ी है, तो इस एफ वन पीढ़ी इट मींस कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमारी एफ वन पीढ़ी है। इससे हमको क्या प्राप्त करनी है, एफ टू पीढ़ी प्राप्त करनी है बच्चों। तो किस प्रकार से यहां हम इनके युग्मक बनाएंगे, तो सीधा हम यहां पर जो है चेकर बोर्ड के अंतर्गत उन युग्मकों को लिखेंगे बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से चार खाने होंगे इसके अंतर्गत, वन टू ये थ्री और ये फोर, इसी प्रकार से वन टू थ्री और ये फोर, ठीक है, ये चार हो गए। अब देखिए इसके हमको बनाने क्या, गैमेट्स बनाने हैं बच्चों। तो देखिए गैमेट्स किस प्रकार से बनेंगे वो आपको यहां पर देखना है, कि जिस प्रकार से हम F1 में तो कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल Y और स्मॉल R कैपिटल Y और स्मॉल R स्मॉल Y, इसी प्रकार से इधर दूसरी तरफ कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये इनके क्या हो जाते हैं बच्चों, गैमेट्स हैं, ठीक है। अब इससे हमको क्या प्राप्त करनी है, एफ टू पीढ़ी प्राप्त करनी है। तो देखिए इनके मध्य किस प्रकार से यहां क्रॉस करके और हम एफ टू पीढ़ी प्राप्त करते हैं, तो देखिए यहां पर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई और कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक, एक ही हो गया। अगला कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई। इसके बाद अगला कैपिटल वाई कैपिटल कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट आपके स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और यहाँ आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये देखिए बच्चों यहाँ पर हमको जो है एफ टू पीढ़ी प्राप्त होती है, तो ये जो एफ टू पीढ़ी है इसका हमको यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप ज्ञात करना होता है। तो एक तो होता है कि सीधा हमने याद कर लिया भाई, कहा भाई एफ टू पीढ़ी का जो है
फिनोटाइप क्या है और जीनोटाइप क्या है, एक तरीका तो ये है। तो देखिए, और एक ये है कि इस चेकर बोर्ड से अपन ज्ञात करें, तो दोनों तरीके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहां पर फिनोटाइप। तो एफ टू पी डी का फिनोटाइप जो है वह क्या होता है, 9:9:3:3:1। इट मींस बाहर से देखने पर हमको चार प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो 9:5:3:5:3:5:1। दूसरा है इसका अनुपात कौन सा, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप 1:2:2:4, 1:2:1:2:1, ये है आपके इसका जीनोटाइप, ठीक है। तो देखिए कैसे निकाल देंगे इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप, इसके लिए सीधा सा क्रम है बच्चों। तो सबसे पहले अपन क्या है इसका जीनोटाइप निकाल लेते हैं, या जीनोटाइप से इसका क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को, फिनोटाइप, या अपन फिनोटाइप से भी जीनोटाइप प्राप्त कर सकते हैं कैसे भी, लेकिन अपन यहां बात कर रहे हैं कहां से, पहले जीनोटाइप से। तो देखिए बच्चों, नंबर वन है आपका कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो ये हो गया आपका कौन सा, गोल और पीला, ठीक है। तो गोल पीला का केवल एक, तो मैं यहां पर नंबर एक डाल देता हूं। इसके बाद दो, दो ये कैपिटल आर देखिए दोनों सेम है, तो ये भी क्या है बच्चों, यहां पर नंबर मैंने डाल दिया आपके दो। तो जीनोटाइप अपन देख रहे हैं पहले, ठीक है। तो ये कौन से हो गए, ये भी आपके हो गए गोल पीले, आया समझ में। इसके बाद अगले दो, तो अगले दे दो दो हैं जो ये हैं बच्चों, एक ये और एक ये, ठीक है। तो यहां मैंने आपके टू नंबर डाल दिया, ठीक। तो ये है आपके, ये भी कैसे हैं, गोल व पीले हैं, ठीक। अब इसके बाद ये चार देख लीजिए, जीनीय स्वरूप में एक है सभी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो सभी इसी रूप में हैं। और ये चार जो हैं ये भी आपके कैसे हैं बच्चों, गोल व पीले हैं, ठीक है। तो ये कितने आपके गोल व पीले हैं, तो देखिए ये आपके नौ हो गए। तो नौ कैसे हैं आपके, ये गोल व पीले। तो देखिए पहले जो नौ है वो ये हो गए गोल पीले, ठीक है। तो जीनोटाइप से आपका क्या निकलाया, पहला स्टेप गोल पीले का, ठीक है, पहला अनुपात। अब हम आगे बात करते हैं चार के बाद, अकेला है आपका ये गोल व गोल व हरा, ये एक अकेला है, ठीक है। तो जीनोटाइप हो गया आपका कौन सा, ये हो गया, ठीक। इसके बाद अगले दो, तो अगले दो है देखिए, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो देखिए ये दो, ये दो, तो क्या है, ये है आपके गोल व झुर्रीदार, गोल व झुर्रीदार हो गए, गोल व हरी सॉरी गोल व हरे हो गए, गोल व हरे हो गए, ठीक है। अब यहां तक आ गए हम, यहां तक आ गए। अब हमारे पास बचे ये चार, ठीक है। तो देखिए ये तीन जो हैं ये आपके दोनों कैसे हो गए, गोल व हरे, एक तो ये और एक ये, एक तो ये और एक ये, तो ये गोल और हरे हो गए। मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके गोल व हरे, तो इससे आपका अगला अनुपात प्राप्त हो गया, ठीक है। और फिर अगले ये आपके देखते हैं, यहां तक हो गया, फिर एक, तो ये है आपका कौन सा, पीला व हरा, पीला व हरा, ठीक। ये पीला व हरा हो गया, और पीला हरा, और ये भी क्या हो गया, पीला व हरा हो गया, और ये भी क्या हो गया बच्चों, पीला व हरा हो गया,
ठीक है, तो ये दो अगला जीनोटाइप हो गया और ये अकेला जीनोटाइप हो गया, ठीक है, तो ये तीन हो गए इसके हो गए, तो कैसे हो गए ये आपके पीले, अरे यार क्या लिख दिया सॉरी, झुर्रीदार व हरे, झुर्रीदार व हरे और झुर्रीदार व पीला, ये हो गया आपके ये जीनोटाइप हो गया। और अगला बचा आपके अकेला, ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका झुर्रीदार और हरा। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से यहां पर हमने ये जीनोटाइप देखा पूरा, कौन सा, एक अनुपात दो अनुपात, दो अनुपात चार, अनुपात एक, अनुपात दो, अनुपात एक, अनुपात दो, अनुपात एक, ठीक है। तो इट मींस इस प्रकार से यहां जिसका जीनोटाइप हुआ, और यहां चार प्रकार के नौ अनुपात, तीन अनुपात, तीन अनुपात एक, ये इसका क्या हो गया फिनोटाइप हुआ। तो इस क्रम से हम इनका क्या जीनोटाइप प्राप्त कर सकते हैं, और जीनोटाइप के आधार पर हम इसका क्या फिनोटाइप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका कौन सा द्विशंकर संकरण, जिसके माध्यम से हमें ज्ञात हुआ कि अगर हम किसी भी जीव जाति के, या मेंडल ने इससे यह निष्कर्ष निकाला कि किसी भी जीव जाति के अगर हम एक लक्षण को लेकर संकरण कराएं, चाहे हम दो लक्षणों को लेकर संकरण कराएं, एक लक्षण दूसरे लक्षण को क्या नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है, वो स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं। तो इस परिणाम को हम इन मेंडल के आगे के जो निष्कर्ष हैं, वो या यूं कहें कि उनको सिद्धांत जो दिए थे इसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज ये आपका हुआ कौन सा मेंडल का द्विशंकर संकरण, ठीक है, जो कि पाइसम सेटा एवं पर इन्होंने किया था। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।